Hi everyone and welcome back to my channel. So I'm back with another Flipkart kurti haul video. And आज का जो वीडियो है वो एक requested video है. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत time से मुझे मेरे पहले जो मैंने Flipkart haul video share किया था उसके नीचे comment करके बहुत बार बोला है कि मैं party wear kurti share करूँ जिसमें sleeve हो, like 3/4 या full sleeve. कोई भी एक comment मैं आपको screen पर ज़रूर दिखा दूँगी, लेकिन बहुत सारे comments थे, सब नहीं दिखा सकती. सो मैंने एक्चुअली दो कुर्ता दो प्लाजो का सेट ऑर्डर किया है. तो अभी मेरा एक ही आया है एंड लकीली मेरा जो कुर्ता मैंने ऑर्डर किया था उसी के सेट का प्लाजो भी आया है. तो मैंने सोचा कि अभी इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है काफ़ी, तो मैं आज ही आप लोगों से शेयर कर दूँ. मेरा शायद कल परसों तक नहीं आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वो वाला दूसरा कुर्ता का वीडियो नेक्स्ट वीक शेयर कर दूंगी. सो विदाउट एनी फर्दर आई डू लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज़ वीडियो. सो गाइस, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये ट्राई ऑन हॉल होगा. मेरे हर वीडियो की तरह मैं हमेशा ही ट्राई ऑन हॉल करना प्रेफर करती हूँ कि मैं पहन के दिखाऊं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए. सो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरी पैकेजिंग कैसी है, मुझे प्रोडक्ट कैसे रिसीव हुए हैं. मुझे सब कुछ ऐसे अलग अलग पैकेट में रिसीव हुआ है. एक में कुर्ता है, एक में मेरा प्लाजो है. एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बता दूं कि ये जो मैंने सेट लिया है कुर्ता प्लाजो का, ये सेट नहीं था फ्लिपकार्ट पे, लाइक सेट से नहीं मिल रहा था. मैंने अलग अलग करके अपना खुद का सेट बना के परचेस किया था और ये बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट में मुझे मिले थे. तो मैं इनके लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसे परचेज भी कर सकते हो. सो गाइस, मेरा जो फर्स्ट आइटम है मेरा पार्टी वेयर बहुत ही ब्यूटीफुल रेड एंड ब्लैक कलर का कुर्ता, वो है ये. तो पहले मैं आपको इसका ब्रांड और प्राइस बता देती हूँ, फिर मैं आपको पहन के दिखाती हूँ. तो इसका जो ब्रांड है वो है मेट्रो फैशन वुमेन फ्लोरल प्रिंट ए लाइन कुर्ता रेड एंड ब्लैक. ये बहुत ये और भी तीन अलग अलग कलर्स में अवेलेबल था, मैंने रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिया है, बहुत क्लासी लगता है वो. और इसका एक्चुअल प्राइस था 1599 यानी कि 1600 रुपीस, और मुझे 57% ऑफ में मिला 678 रुपीस में, 678. एंड इसका जो फैब्रिक है वो है रेयॉन, रेयॉन फैब्रिक में है, प्रिंट बहुत सुंदर है. अब आपको उसमें पहन के डायरेक्ट दिखा देती हूँ. सो गाइज, ऐसे है इसका. पहले तो ये यहाँ पे कॉलर है, इट्स अ बंद गला, आप देख सकते हैं. और यहाँ बटन है, इसको आप खोल भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो. और ये एक जैकेट पैटर्न है एंड इट्स अ जैकेट पैटर्न एज यू कैन सी. अंदर में ये रेड कलर का है कुर्ता, उसके ऊपर ये जैकेट है. लेकिन आप इस रेड कुर्ते जैकेट को हटा के नहीं पहन सकते हो. तो पहले मैं आपको इस जैकेट का वर्क दिखा दूँ क्लोजअप से. ये जैकेट का वर्क देख लो क्लोजअप से, बहुत सुंदर है. गोल्डन कलर का पूरा प्रिंट इसके ऊपर. एंड गाइस, जैकेट में जो नीचे में प्रिंट है वो डिफरेंट है ऊपर वाले प्रिंट से, आप देख सकते हो. वो अभी आपको पूरा कुर्ता दिखाऊंगी तो भी आप समझ जाओगे. नीचे में ऐसा प्रिंट है, ऊपर में डिफरेंट प्रिंट है. ऑकवर्ड नहीं लगेगा बिकॉज स्लीव में भी कॉर्नर में दो अलग अलग प्रिंट है. आप देखो स्लीव में ऊपर ही जैसा था है और ये नीचे ऐसा है, जैसे जैसे जैकेट के ऊपर दो अलग अलग प्रिंट है, स्लीव में ऐसे मैच किया हुआ है, तो कोई पहनने में ऑकवर्ड नहीं लगेगा. तो ऐसे इसकी स्लीव यहाँ तक आती है और पूरे स्लीव में भी सेम वर्क है ऐसे. मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कैसा दिखता है. अब बंद गला का बटन एक बार देख लो, यहाँ पे ऐसे है, ये बंद करने का है. अब इसको खोल के दिखाती हूँ, आप इसको खोल सकते हो, खोल के भी पहन सकते हो, खोल के भी अच्छा लगता है. ये खोलोगे तो ऐसा हो जाएगा. यानी अंदर में ऐसे करके कुर्ता है एक, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, ये अटैच है एक दूसरे के साथ. सी, ये अटैच है, आप इसको अलग नहीं कर सकते हो. ये ऐसे है, इसका राउंड नेक है एकदम अंदर से. और सो गाइस, अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पे एक बेल्ट जैसा बना हुआ है रेड कलर का, बहुत प्रिटी लगता है. लेकिन यहाँ बंद करने का कोई सिस्टम नहीं है, होता तो शायद ये बहुत सुंदर लगता. आप खुद से भी बंद करने का लगा सकते हो बटन. ये ऐसे रेड कलर का बना हुआ है जहाँ पे, as you can see, यहाँ पे एक ये है और इस तरफ में एक ऐसे है और यहाँ इस तरफ में ऐसे है. सेंटर में आता है एकदम, यहाँ पे अच्छा लगता है ये. अब देख सकते हो ये बहुत सुंदर लग रहा है ऐसे. ये बहुत ज़्यादा अनारकली टाइप नहीं है, ए लाइन कुर्ता है. अगर ऐसे बहुत प्यारा है ये. और ये जो जैकेट है बिल्कुल नीचे तक है. अगर आप 5'2" तक ही अभी होना तो भी आपको ये फ्लोर लेंथ जाएगा. ये मुझे थोड़ा सा कमर के आसपास से थोड़ा लूज आ रहा है. ऑल एंड ऑल ये बहुत ज़्यादा क्लासी पीस है और इसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छे थे.
लोगों ने जो रिव्यूज दिए थे वो भी काफी अच्छे थे, अगर आप चाहो तो आप अपने ले सकते हो। एंड ये बैक से प्योर रेड है, बैक में जैकेट का पार्ट नहीं आता है। एंड बाय द वे जो इसमें मेरा साइज है वो है स्मॉल। हमेशा आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे मेरे साइज के लिए पूछ रहे होते हैं तो वो है स्मॉल। अब अपना प्लाजो दिखाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो कुर्ता है इस पे जो गोल्डन वर्क है, और इसके पहले भी मैंने कुछ कुर्ता शेयर किए थे जिनमें गोल्डन वर्क थे, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये धोने के बाद ख़राब हो जाएगा ये वो। तो मैं आपको बोलूँगी, एक तो ये पहले डेली वेयर कुर्ता नहीं है और पार्टी वेयर चीज़ें हैं, तो आप इसे पहन के जब जाते हो आके संभाल के रख दो, और तीन चार बार पहनने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इसको वॉश करना है तो प्लीज़ आप इसको ड्राई क्लीन कराओ, ड्राई वॉश, इसको हाथ से जैसे धोते हैं वो मत धो, नहीं तो शायद इसका प्रिंट उतर जाए और ये बहुत सुंदर लगते हैं पहनने के बाद। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ, जो मेरे पार्टी वेयर कुर्ताज होते हैं उन्हें ड्राई वॉश ही करवाती हूँ, मार्केट में हाथ से नहीं धोती, कि अगर वो प्रिंट उतर गया तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ना वो डेली पहनने के लायक बचेगा ना वो पार्टी में पहनने के लायक। तो बहुत लोग ये बोल रहे थे कि हमने लिया है उसका प्रिंट ख़राब हो गया ये, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उसे हाथ से बिल्कुल भी मत धोना, पानी से और साबुन से सर्फ से आप उसको ड्राई वॉश करना, वो ख़राब नहीं होगा और वो बहुत लंबे टाइम तक आपका चलेगा। सो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट आइटम है वो है मेरा ब्लैक कलर का प्लाजो, वो मुझे ऐसे रिसीव हुआ है प्लास्टिक में। तो पहले मैं आपको इसका ब्रांड और प्राइस बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगी। और एक बात मैं बता दूँ कि इस प्लाजो को आप कोई ट्यूनिक शॉर्ट कुर्तीज के साथ में भी पहनोगे तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा, यही सोच के मैंने इसे लिया था। सो जो इसका ब्रांड है वो है क्रेजिंक, CRAZY INK क्रेजिंक रेगुलर फिट वुमन ब्लैक ट्राउजर्स। इसमें ट्राउजर लिखा है बट इट्स अ प्लाजो एक्चुअली। और इसका प्राइस था 999 यानी 1000 रुपीज़, बट मुझे बहुत हैवी डिस्काउंट मिला, 70% डिस्काउंट था जब मैंने इसे लिया, और इसका प्राइस था 291। और इसमें मोस्टली इतना ही डिस्काउंट आपको बहुत बार मिल जाता है। एंड जो प्लाजो है ये मिड राइज है, हाई वेस्टेड नहीं है, एकदम लो भी नहीं है, मिड में आता है, वहीं तक, वहीं से पहनने का है, वहाँ से परफेक्ट भी लगता है पहनने के बाद। मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। मैं प्लाजो पहन के दिखाने से पहले एक बार आपको ऐसे ही दिखाना चाहती हूँ खोल के कि वो कैसा दिखता है। ऐसे दिखता है ये, इसमें नॉर्मली आगे में बहुत ज़्यादा एक कुछ स्ट्रिंग जैसा रहता है बहुत सारे पैंट्स में, प्लाजोज में, जिसे नाड़ा भी कहते हैं, बट इसमें वैसा नहीं है, वो मुझे बहुत बेकार लगता है, अच्छा है इसमें नहीं दिया है। एंड इसमें इलास्टिक है कमर पे, बटन सिस्टम नहीं है और पॉकेट नहीं है इसमें कोई भी। एंड इसका फैब्रिक भी अच्छा है, इट्स नाइस सॉफ्ट। पैर से ये नीचे से इतना वाइड है, आप पहले देख लो वरना पहनने के बाद शायद पता ना चले, ये ऐसे इतना वाइड है। सो गाइस, पहनने के बाद ये ऐसा लगता है। एंड पहले मैं बता दूं कि मैं इसे कुर्ते के साथ पहन के नहीं दिखा रही हूँ, टॉप के साथ पहन के दिखा रही हूँ, और इस कुर्ते के साथ तो ये पूरा छुप जाता, आपको दिखता नहीं। सो देख सकते हो आप, इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है, मैंने अभी हील्स के साथ डाला है तो ये मेरी हील्स को भी ढक दिया, इट्स नाइस। अब कुर्ते के साथ पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और ये 291 में तो बहुत ही अच्छा है, आप किसी भी कुर्ते के साथ पहन सकते हो इसे। ब्लैक कलर है, कोई पॉकेट नहीं है, खास पॉकेट होती, कोई पॉकेट नहीं है, बट इट्स नाइस। लूज भी है, कंफर्टेबल भी है, एंड आई होप आपको मेरा आज का ये छोटा सा फ्लिपकार्ट कुर्ती हॉल वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट कुर्ती आने के बाद मैं नेक्स्ट वीक भी आप लोगों के साथ जरूर अपना हॉल शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।